एक जंगल में चिड़िया और तोता दोनों पास पास रहते थे। चिड़िया बहुत ही अच्छे स्वभाव और नरम दिल वाली थी, लेकिन तोता हमेशा चिड़िया के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ किया करता रहता। अचानक से मौसम खराब हो जाता है, चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते भैया, मौसम खराब हो गया है और हमारे पास कुछ खाने के लिए दाना भी नहीं है, इसलिए मैं दाना लेने के लिए जंगल जा रही हूँ। यदि बारिश आए तो आप मेरे बच्चे का ध्यान रखना। फिकर मत करो मेरे होते हुए, यदि बारिश आएगी तो मैं तुम्हारे बच्चे को अपने पास छुपा लूंगा। तुम बेफिक्र होके दाना लेने के लिए जाओ, और हमारा भी दाना खत्म हो गया है, इसलिए हो सके तो हमारे लिए भी कुछ दाना ले आना। मैं आपके लिए भी दाना ले आऊंगी, ठीक है, मैं चलती हूँ। इतना कहकर चिड़िया जंगल की तरफ निकल जाती है दाने की तलाश में। चिड़िया को काफी घूमने फिरने के बाद में भी दाना नहीं मिलता है। हार थक कर वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। तभी अचानक से जोरों की हवा चलने लगती है और एक आम टूटकर पेड़ से नीचे गिर जाता है। चिड़िया उस आम को देख लेती है। मौसम भी खराब हो गया है, ये आम मिला ये बहुत अच्छा है, इसी को लेकर जाती हूँ, थोड़ा सा हम खुद खा लेंगे और बचा खुचा हम तोते को भी दे देंगे। चिड़िया आम को लेकर अपने घोंसले की तरफ आने लगती है। हवा तेज होने के कारण वो उड़ नहीं पाती है तो एक पेड़ के नीचे ही बैठ जाती है। तभी उसको दिखाई देता है एक छोटा सा खिलौना घर उड़कर उसके पास आ जाता है। लगता है पास के ही गांव से ये घर यहाँ पर उड़कर आ गया है। कोई बात नहीं, मैं अपना आम इसमें ही रख लेती हूँ और इसको भी लेकर चलती हूँ, शायद किसी काम में ही आ जाए। हवा धीमी होने पर चिड़िया उस घर को लेकर आ जाती है। मौसम काफी खराब है, इसलिए दाना तो नहीं मिल पाया। मैं एक आम के पेड़ पे नीचे बैठी थी, मुझे ये एक आम गिरकर मिला, इसलिए मैं इस आम को ही ले आई। तो ये घर तुम कहाँ से लाई हो? ये तुमको कहाँ पर मिला? इसका तुम क्या करोगी? ये तो यहाँ पर फिजूल ही पड़ा रहेगा। जब मैं दाने की तलाश में पेड़ के नीचे बैठी थी, तब तेज हवा चली और उस हवा में ही उड़कर ये मेरे पास आकर गिरा। मैंने सोचा क्यों ना इसको ले चलूं, शायद किसी काम में ही आ जाए। कुछ ही देर में शाम हो जाती है, बादल बहुत जोरों से गरजने लगते हैं और बहुत तेज की बारिश आ जाती है। मम्मी, बहुत तेज बूंदे पड़ रही हैं और मुझे ठंड भी लग रही है। बारिश तो बहुत तेज है ही बेटा, ठंड भी लगेगी। एक काम करते हैं, तुम इस घर में बैठ जाओ। मम्मी, ये घर तो काफी बड़ा है, आप भी इसमें आ जाओ, आप भी बारिश से बच जाओगे। चिड़िया और उसका बच्चा दोनों उस घर में बैठ जाते हैं। कुछ समय के बाद में धीरे धीरे बारिश रुक जाती है। तोते भैया, मौसम अभी भी खराब है, बारिश तो रुक गई है, लेकिन मैं दाना लेने के लिए जंगल जा रही हूँ, इसलिए यदि बारिश आए तो आप मेरे बच्चे का ख्याल रखना।
मछलियाँ दाना लेने के लिए जंगल की तरफ चली जाती हैं। कुछ समय के बाद में फिर से तेजों की बारिश शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, बहुत तेजों की ठंड लग रही है, ये तो बारिश फिर से तेज हो गई। बूंदे भी बहुत मोटी मोटी गिर रही हैं, अब क्या करूं? एक काम करता हूँ, ये घर ले आता हूँ, इसी में आराम से बैठूंगा। तोता घर को उठाकर ले जाता है, चिड़िया का बच्चा भीगने लगता है, तोता आराम से घर के नीचे सुरक्षित बैठा रहता है। कुछ समय के बाद में चिड़िया दाना लेकर वापस आती है और देखती है, चिड़िया सोचती है, भैया मेरा बच्चा भीग रहा है और आपने मेरे बच्चे से वो घर लेकर भी अपने पास में रख लिया है। ओ नहीं नहीं, मैंने ये घर तुम्हारे बच्चे से नहीं लिया है, ये घर तो उड़ गया था और मैं ही इसको उठाकर लाया हूँ, इसलिए अब ये घर मेरा हो गया है। बेईमानी से तोता चिड़िया से घर ले लेता है, लेकिन उसके बाद में चिड़िया फिर बाज के पास जाती है ताकि वो बाज से इस तोते की शिकायत कर सके। तोते ने बेईमानी से मेरा घर ले लिया है, इतनी तेजों की बारिश में मेरा बच्चा भी भीग रहा है। तोता हमेशा कुछ ना कुछ गलत हरकत करता ही रहता है, उसने तुम्हारा घर ले लिया है, कोई बात नहीं, मैं चलकर उसका भी सबक सिखाता हूँ और देखता हूँ कैसे वो तुम्हारा घर तुमको वापस नहीं देगा। दोनों मिलकर तोते के पास आते हैं। ये क्या भाई, तुमने चिड़िया का घर क्यों ले लिया है? ये घर चिड़िया को मिला है तो चिड़िया का ही हुआ ना, इसलिए तुम इसका घर इसे वापस दे दो। नहीं नहीं महाराज, ये घर तो मुझे ही मिला था, चिड़िया तो झूठ बोल रही है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझको सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये ले। तोते की खूब पिटाई होती है और फिर तोता घर वापस दे देता है। धन्यवाद आपका, आपने मेरा घर मुझे वापस दिलाया। चिड़िया को उसका घर मिल जाता है और तोते की पिटाई होने के बाद में वो मायूस होकर बारिश में ऐसे ही बैठा रहता है। इसलिए सच बोलने वालों की हमेशा जीत होती है।